नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मन्हा। तो आज हम आप पहुंचे हैं भद्रवाह में वासुकी नाग मंदिर के पास, और चलिए आपको सबसे पहले इस मंदिर की मूर्ति के दर्शन करवाते हैं और पंडित जी से जानने की कोशिश करते हैं आखिर कब से ये मंदिर बना हुआ है और किस चीज़ से इसको माना जाता है। और एक और बात बता दूं, जब भी यहाँ से कैलाश के लिए यात्रा निकलती है वो इसी जगह से निकलती है, भद्रवाह गाठा में ये मंदिर है। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ की मूर्ति की तस्वीरें दिखा देता हूँ। पंडित जी, ये जो सामने मूर्ति दिख रही है किस चीज़ की? ये वासुकी नाग जी की मूर्ति, ये एक जीवितमान भी है, दूसरी जो मूर्ति है जीवितमान की है। चलिए ये तस्वीरें आपको गाठा भद्रवाह की हैं। चलिए अब मैं कुछ लोगों से बात भी करूंगा बाहर निकल के, और इस मंदिर की और एक और बात बता दूं, इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन हो रही है पूरी चारों तरफ से। ये तस्वीरें देख सकते हो, काम लगा हुआ है इस मंदिर का। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, काफ़ी किस्म से जाना जाता है। एक और बात बता दूं इस मंदिर की, इस मंदिर में सिर्फ पुरुष ही दर्शन कर सकते हैं इसकी मूर्ति की, महिलाएं नहीं जा सकती। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस मंदिर की। और कुछ और मैं बता दूं, ये तस्वीरें देख सकते हो मंदिर की चारों तरफ से, काफ़ी समय से देख सकते हो लकड़ी वगैरह लगाई गई थी जब ये मंदिर बना हुआ था, अब जो है सीमेंट की कंस्ट्रक्शन हो रही है काफ़ी अच्छे तरीके से। और कुछ लोग यहाँ के लोकल हैं, पंडित जी हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे आखिर कब ये मंदिर बना था, कब से यहाँ पे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र कोतवाल। सर सबसे पहले मैं पूछना चाहूँ, ये कब मंदिर बना हुआ था यहाँ वासुकी नाग जी का, क्योंकि भद्रवाह को ऐसे भी देवों की भूमि माना जाता है। ये विक्रमी 10 में बना है, आज जो है ये इसको 2066 साल हुए इस मंदिर को बने हुए। 2066 साल हुए इस मंदिर को बने हुए। तो उसके बाद इस मंदिर की यही है कि यहाँ से यात्रा जाती है, हर मस्जिद के जो हिंदू के मस्जिद में हैं वो सारे यहाँ से यात्रा लेकर जाते हैं, और ये कैलाश कुंड में जाती है करवा गुरु। यहाँ से ही कैलाश की यात्रा जो है, मैं देवेंद्र सिंह परिहार हूँ, मैं वकालत करता हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। सामने गांव है, गवाड़ी गांव है, और हमारे कुल देवता है, परिहार के कुल देवता है। यहाँ से इतनी इनमें इतनी श्रद्धा है, इन लोगों की फेथ इतना है यहाँ से। एक वक्त ऐसा था कि अगर बारिश ना आ रही है यहाँ पे एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, तो इनके पास आके मन्नत करते थे, इनको मनाया जाता था, और बारिशें आती थी, और अगर ज़्यादा परेशानी होती तो बारिशें ख़त्म भी हो सकती थी। इनको मनाने का ही सब कुछ हुआ करता था, इतना फेथ था इन पे। इट इज़ ऑल नेचुरल एंड वी आर हैविंग दिस काइंडनेस ऑफ दिस गॉड कि आपने जब जब मुसीबत यहाँ पे आई है तो इनको मनाइए और आपके हर मुसीबत दूर होती है। यहाँ तक कि यहाँ के जो मुसलमान बरादरी है वो लोग भी इनको मनाते हैं। कैलाश यात्रा यहाँ से जाती है, यहाँ से आप सामने देख सकते हैं कैलाश पहाड़, वो सामने अभी बर्फ़ से ढका है। यहाँ से 14 मील है यहाँ से, इसकी दूरी पर एक दिन वहाँ पर रेस्ट करके वापस आते हैं। यहाँ पर फिर जागरण होता है जिसमें कि एक फायर वॉक किया जाता है, बहुत बड़ा फायर वुड के आग लगाने के बाद बेयर फुटेड यहाँ पे जो लोग इनके डिसाइपल्स होते हैं उनके कार रखी जाती है, उन पर एक स्पेशल रिस्ट्रिक्शन अपने ऊपर रखने के बाद उसके बीच में से जाते हैं। यहाँ पे बहुत लोग वहाँ पे मनाते हैं, आते हैं, और इस वक्त ऐसी पोजीशन है कि हमारे ये भाई साहब हैं महेंद्र कोतवाल, इनको कुछ इंट्यूशन हुआ है एंड ही हैज़ बिन आस बाई हिज माइट ऑल माइटी कि आप इसका रेनोवेट कीजिए। ये सारा बेड़ा इन्होंने उठाया है, ये कब से यहाँ पे बैठे हैं और फुल फ्लेज एक रिस्ट्रिक्शन आप इम्पोज करके ये हम सारा कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। और ये ऐसी मेरे जो समझ में है कि यही सबसे पुराना मंदिर यहाँ का है। तो इस हम तो चाहते हैं कि इसके लिए जो कोई भी दिल खोल के दान देना चाहे, सहयोग देना चाहे, फिजिकल यहाँ पे आके अपने अगर कंट्रीब्यूट करना चाहे, लेबर करना चाहे, वन शुड कम हेयर फॉरवर्ड विदाउट हेजिटेशंस। वी हैव टू टेक केयर ऑफ अवर ओन रिलीजन एंड कम अप विद इट विदाउट एनी फियर एनी, वी शुड नॉट हेजिटेट इन डूइंग एनी जॉब टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ योर ओन रिलीजन। तो
और एक और मैं बात फिर से बता दूं आपको, मैं गाठा मंदिर में हूं, वासुकी नाग मंदिर है, लगभग 2000 सालों से पुराना ये मंदिर है और इस भद्रवाह की जो हिस्ट्री है इसी मंदिर से जानी जाती है। जिस तरह से इन्हीं लोकल लोगों का कहना है कि जब भी कहीं बारिश की ज़रूरत पड़ती थी या कोई तूफान आ जाता था इस एरिए में, तभी इस भगवान के सामने आकर लोग अपना चढ़ावा चढ़ाते थे और अरदास करते थे, प्रार्थना करते थे ताकि इस कष्ट से बच सकें। और जब भी ज़रूरत होती थी बारिश की, तो काफ़ी सारी आपने देखा होगा कि जगह जगह पे लोग जो हैं तीर्थ स्थान माने जाते हैं, क्योंकि हमेशा पहाड़ों पे ही बसते हैं देव देवता। तो चलिए कुछ और बात करना चाहूँगा मैं इनसे सर। सर क्या नाम है आपके? सर मेरा नाम सतीश है। आप भी यहीं के रहने वाले हो? मैं पेंडकू का रहने वाला हूँ, तो मैं ये मिस्त्री काम कर रहा हूँ यहाँ। अच्छा, यहाँ पे मंदिर। तो मुझे बहुत ही मन से इस नाग की श्रद्धा से अपने तन मन से ये मंदिर बना रहा हूँ कि जहाँ भी मुझे बुलाते हैं मंदिरों के काम में, तो मेरा मन बिल्कुल पिघल जाता है कि मैं कब वहाँ पहुँचूँ और भगवान की इस सेवा में लगूँ। तो काफ़ी मैंने मंदिर बनाए, जैसे भद्रवाह में ऊपर खाखल महल्ले में जो बड़ा मंदिर है, वासुकी देरा में वो भी मैंने बनाया, गुप्त गंगा में, रोशरधार में, सुबार नाग की जो ऊपर धार है वहाँ भी बहुत से मंदिर मैंने बनाए। लेकिन मेरी यही श्रद्धा है कि जहाँ भी भगवान का कोई भी स्थान बनाने के लिए बोलते हैं, मुझे बिल्कुल मुझसे ठहरा नहीं जाता कि मैं कब वहाँ पहुँचूँ और मेरा मन वहाँ भगवान की स्तुति में लगे। जी हाँ, तो ये बहुत ही पुराना मंदिर है, तो जो भी लोग इस मंदिर की श्रद्धा में आना चाहते हैं बेधड़क होकर, ये नहीं कि नहीं जी एक ही आदमी इसको बना रहा है, नहीं, पूरी पब्लिक का कॉपरेशन होना चाहिए ताकि इस मंदिर की तैमीर जो है वो बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाए। इसका एस्टीमेट कम से कम 60-70 लाख तक जाएगा, मतलब चारों तरफ से इसकी इसकी ट्रस जो है दोबारा लगी जाएगी, इसकी टीम सारी चेंज हो जाएगी, इसकी पूरी मॉडिफिकेशन करनी है, हमने पूरा नए ढंग से इसको तैयार करना है। तो हर आदमी को हम यही कहना चाहते हैं कि इस धर्म स्थान में शमूलियत होकर कुछ करके दिखाएं, ताकि ये बहुत ही पुराना स्थान है जो भद्रवाह का राजा है वासुकी नाग, यहाँ नागराज है, नागराज यहाँ राज करता था। तो हमने बुज़ुर्गों से सुना था कि यहाँ नागों की धरती है, तो इन्हीं से सारा कुछ हमें मिलता है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ। चलिए कुछ और कहानी पूछना चाहूँगा मैं मंदिर के बारे में। क्या अब एक बात है कि यहाँ पर जो ये मेरे करिंदे हैं काम करने वाले, ये सब मीट अंडा मच्छी कुछ नहीं खाएंगे। ये मासिक नाग जी के जो इधर चेले थे, इन्होंने उस वक़्त बोला था, मुझे बोला था कि आप कार में रहेंगे और कार में ही आप चलते रहेंगे। इस वक्त मैं उसी कार में चला हूँ और जितने भी ये मेरे काम करने वाले हैं ये सब उसी में हैं। और उन्होंने ये भी बोला था कि कोई ऐसी गलत बात नहीं करना ताकि ये आपको कोई चीज़ का कष्ट ना दे, इसलिए ये उन्होंने ये भी बोला था जिस वक्त इसको कंप्लीट करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर सुखन देनी पड़ेगी ताकि आपके काम में कोई भी रुकावट ना आए और आप खुशी खुशी इस चीज़ को करके दिखाएं हमें। बस यही मेरी है दूसरी का मतलब आप समझते हैं। मैं एडवोकेट से बात करना चाहूँगा सर। एक और चीज़ यहाँ पे, जिस तरह से नागों की बस्ती आपने कहा काफ़ी प्राचीन है, कोई कहानी बता दीजिए ताकि दर्शक हमारे सुन सके। मतलब इस मंदिर नागदेव का ऐसा है पर्सनल, तो मैं तो अपने बारे में कह सकता हूँ, जब आप इनको अगर सच्चे दिल से मानना चाहें, एक दफ़े की बात है, यहाँ ही की बात है, मैं चाहता था कि इनके दीदार हों, इनके दर्शन हों, एक सेकंड में देखने लगा एक बिल्कुल वाइट चमकता हुआ सांप यहाँ से दिखाई दिया और थोड़ी देर में गुम। इट्स और मेरे साथ तो काफ़ी हैपनिंग्स हुई हैं इनकी, एक्सीडेंट होने से पहले मेरे को लगा कि कुछ होने वाला है, इतने में देखा आगे से एक मेटाडोर आ रही है, उसका टायर टूट गया, सीधा मेरे ऊपर आने वाली थी, लेकिन ऐसा लगा कि उठा के किसी ने इसको ऐसे फेंक दिया।
बिल्कुल इनका सामने मेरे दीदार हुआ कि वाकई इन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा है। इस एक कहानी नहीं, इसकी तो अनगिनत कहानियाँ हैं। बाकी जो अभी इन्होंने कहा कि कार इनके रखने का, कार का ये मतलब है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जाती हैं। यू विल नेवर गो फॉर नॉन वेज, नॉन वेज नहीं करेंगे आप जूते नहीं पहनेंगे, आप चारपाई पे नहीं सोएंगे, दैट इज़ द कार। जो जितने जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको अपने सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन है, इनकी तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशन में चल के ये कंस्ट्रक्शन तभी पूरी होगी। और क्या पूछना चाहेंगे? नहीं सर, मैं कहानी पूछना चाह रहा था, मतलब जिस तरह से आपने कहा कि इस मंदिर की 2000 साल से पुराना हो, तो इसके बाद एक और मंदिर मैंने यहाँ पे बदरवा में देखा है, वासुकी नाग का शायद कि ऐसा है। हाँ, उधर पिछले शहर में है ये, उनके बारे में ये बताते हैं, क्योंकि ये मंदिर बनाने के कामों में इन्होंने काफी। चलिए पंडित जी से पूछूंगा, क्योंकि जय वासुकी जी, इनसे हिस्ट्री बता दीजिए। ये मंदिर के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि ये हमारा जो गाठे में मंदिर है, ये है इनका घर, दरबार इनका जो है तो वो है बाजार में। मतलब कब प्रकट हुए थे ये यहाँ पर क्या थी कि यहाँ ये गाठा नहीं था, ये थी गोठ, यहाँ लगता था पहले, तो यहाँ गोवें चरती थी। यहाँ पर दरख्त के नीचे ये वासुकी नाग जी थे, गाय सूई थी तो उसका दूध पीते थे वासुकी नाग जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ग्वाल देखने लगा कि भाई गाय का दूध कौन ले जाता है, तो वो ग्वाल आया देखने लगा तो वो गाय के दूध पी रहे थे वासुकी नाग जी। तो उसके बाद यहाँ पर चेले शेरे आए, ग्रहणी शहणी दी, तो वासुकी नाग जी ने बोला इसी मुझे यहीं बैठना है, मेरा मंदिर यहीं तैयार करो आप। फिर मंदिर यहाँ पर तैयार हो गया। कुछ और बात करना चाहूँ सर, यहाँ के लिए कोई पुलिस वगैरह भी लगी हुई है, मतलब कि मंदिर के लिए? जी हाँ, यहाँ पे सामने इनका गार्ड कर रहे हैं पुलिस वाले, सामने वहाँ पे चौकी है, वो यहाँ पे राउंड द क्लॉक पे सुपरविजन का है पूरा, इस गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ दिस थिंग। एक बार मैं फिर से थोड़े से दर्शन करवा देता हूँ इस जगह की, और फिर से मैं बता दूँ काफ़ी लोग मानते हैं और श्रद्धा और प्रेम से आते हैं इस मंदिर में और अपनी आस्था रखते हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी होती है इस मंदिर में। और फिर से मैं बाहर जाके थोड़ा सा दिखा दूँ चारों तरफ का दृश्य कितनी खूबसूरती से बनाया जा रहा है। मैं थोड़ा अपने कैमरे को मैं और सामने कैलाश पर्वत है जहाँ पे यहाँ से यात्रा जाती है, ये शायद जुलाई अगस्त में यहाँ से निकलती है। तीन अभी भी पहाड़ों पे बर्फ़ वगैरह है। चलिए मैं बाहर से बात करूँगा इन सब से और थोड़ा बाहर का दृश्य दिखा दूँगा, क्योंकि काफ़ी सारी जगह है इस मंदिर की, क्योंकि चारों तरफ से प्लाट सा दिख रहा है। तो देख सकते हो कितना बड़ा मंदिर बन रहा है इस जगह पे, क्योंकि सब लोगों का जिस तरह से इन्होंने कहा कि सहयोग रहेगा तो कहीं इस मंदिर को बनाने में चलिए कुछ और मैं दिखा दूँ, यहाँ पे पोस्टर वगैरह भी लगे। सर इस काम को कितने समय हो गया, मतलब काम को लगे हुए आज जब न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है? ये एक डेढ़ महीना हो गया इसको काम, डेढ़ महीना हो गया। अभी दो चार महीने और लगेंगे इसको, मतलब जितना इसको हाँ जिसका ये एस्टीमेट है, हाँ बाहर से चार पाँच महीने और लगेंगे सर। ये इसका जिस तरह से आपने कहा, अगर कोई इस मंदिर का सहयोग देना चाहे, अपना कुछ पैसा वगैरह देना चाहे, या कोई भी श्रद्धा से अपने मन से कुछ भी देना चाहे, तो किसके पास आए ताकि उनको? यहाँ पे मंदिर में पुजारी जी के पास रिसीप्ट रखी हमने, कमेटी है, कोतवाल साहब यहाँ बैठे, हम सभी यहाँ बैठे होते हैं। तो अगेंस्ट प्रॉपर रिसीट उनका दी जाएगी, रिसीट दी जाएगी, अमाउंट यहाँ पे एनीबॉडी कैन कम एंड चेक दैट, कोई भी देख सकता, पूछ सकता है कहाँ पे हमारा पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। उसके अलावा जो यहाँ पे ये मेला लगता है बैसाखी का मेला, यहाँ ही लगता है इसी मैदान में, पीछे से भी यहाँ से भर के, कोई तिल धरने की जगह नहीं रहती, इतने लोग यहाँ पे आते हैं। बथुआ तो खूबसूरती से जाना भी जाता है, और साथ में मैं बता दूं देवों की भूमि भी है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे तीर्थ स्थान हैं
जिस तरह से मैं बता दूं, मैं इन्हीं से पूछना चाहूँगा कितने मंदिर हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को भी नाम उतने याद नहीं सर, यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर वगैरह हैं। हाँ, अभी इसी ही इनका जो ये प्रिंसिपैलिटी है, इनका जो ये प्रेमाइसिस है वासुकीनाग जी का, इसको हम मंडे ही बोलते हैं भद्रवाही डायलेक्ट में, लैंग्वेज में। अभी इसके सामने आप देखिए शंकर भगवान जी का मंदिर है, ये सामने, इसके नीचे माता हैं, कौन सी माता जी का, भद्रकाली माँ, गद माता, उनके शीतला माता का वो मंदिर है। एंड ये कहा जाता है कि इनकी सिस्टर्स हैं वासुकीनाग जी की, ये सिस्टर्स हैं। जब भी कोई यहाँ पे आना चाहता है कोई माथा टेकने के लिए, सबसे पहले आपको वासुकीनाग जी के मंदिर में आना है, उसके बाद आप दूसरे मंदिर में जा सकते हैं। ये तो चार मंदिर यहाँ पे हैं, उसके अलावा भद्रवाह में तो मंदिरों की कोई कमी नहीं है। चिनोद माता का, चंडी माता का मंदिर है, गुप्त गंगा है, दैट इज सो मैनी मंदिर, इतना कुछ यहाँ पे कि आप देखिए हर तरफ भगवान का ये दर्शन है। जी हाँ, हर तरफ भगवान के ही दर्शन है। थोड़ा मैं बाहर का दृश्य दिखा दूँ यहाँ का, आप काफ़ी बड़े बड़े ये देख सकते हो आप, कंस्ट्रक्शन चल रही है इस मंदिर की, और इस मंदिर को बनाने के लिए एक महीना हो गया जब से ये काम चल रहा है। और जिस तरह से यहाँ के जो मिस्त्री थे, उन्होंने कहा कि काफ़ी अच्छा लगता है उनको जब भी वो कोई भी मंदिर बनाने जाते हैं या कहीं पे भी काम करना जाते हैं। ये तस्वीरें भद्रवाह की हैं और खूबसूरत नज़ारा है, क्योंकि पेड़ के नीचे छांव होती है और कुर्सियां लगा के रखी हैं, लोग बैठते हैं क्योंकि गर्मियां काफ़ी हैं, और जम्मू से भी काफ़ी सारे लोग आते हैं क्योंकि गर्मियों के दौरान सब लोग यहाँ पर बैठने के लिए आते हैं। भद्रवाह काफ़ी अच्छी टूरिस्ट प्लेस है। तो ये तस्वीरें देख सकते हो आप मंदिर की, और फिलहाल देखते रहें यूँ ही जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मन्हास, डोडा।